शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। यह बिजली विद्युत सभी एप्स की ट्रेनिंग है। इसमें पीपीटी के माध्यम से नहीं, वो पीपीटी पहले दिखाई जाएगी, इसके बाद उसका नहीं रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा आपका नहीं, तो उसमें क्या है, जब बिल हम जमा करेंगे तो उसका डायरेक्ट आपके खाते में ही कमीशन उसका आ जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि हमें वॉलेट चार्ज करवाने के लिए हमें लाभ किसान मैनेजरों से नहीं कहना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उसमें उससे अकाउंट से पैसा उसमें ट्रांसफर करेंगे और तुरंत 2 घंटे में ही आपका ही वॉलेट चार्ज हो जाएगा। तो इससे क्या है, सुविधा मिल जाएगी आपको। तो इसमें पहले रजिस्ट्रेशन होगा कि किस तरह एप्स के माध्यम से नहीं, विद्युत सभी एप्स करके मिशन द्वारा बनाया गया है। मिशन और ICICI बैंक मिल करके एप्स जनरेट किए हैं, उसके माध्यम से ही आप लोगों को ही सुविधा हो जाएगी। सर नमस्ते, मेरा नाम सुधा रानी है, मैं अध्यापक ब्लॉक से आई हूँ। मेरे समूह का नाम जानकी आजीवन स्वयं सहायता समूह। सभी दीदी वे भैया को मेरे नमस्ते, मेरा नाम निशा चौहान और ब्लॉक अफसर। सभी को मेरे नमस्ते, मेरा नाम सरोज है, अध्यापक ब्लॉक से स्वयं सहायता समूह आजीवन अफसर। सभी को मेरे नमस्ते, मेरा नाम निकिता है, दीदी को मैंने देखा, हालांकि मैं बिजली में नोटर नहीं था और उस चीज को कर नहीं रहा था, कि एक लिंक था दीदी के पास, कोई ऐप नहीं थी। तो कभी कभी क्या होता था, मोबाइल चलाने में वो लिंक दीदी से गायब हो गया। इस हफ्ते में कितना हुआ, आपका कमीशन कितना हुआ, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, रिचार्ज की सबसे बड़ी समस्या थी। रिचार्ज क्या था कि आप लोगों को पैसा बैंक में जाना, पहले तो बैंक में पैसा डालते थे और फिर क्या करते थे, फिर रियान को फोन करना, बहुत सारी चीजें थी। तो अब क्या है कि एक तो अपना यूपी एसआरएलएम और अपना जो विद्युत विभाग है हमारा और उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, तीनों के बीच मिलकर क्या है, टाइम हुआ है। तो अभी क्या है, आप लोगों को एक नया ऐप मिलेगा। पैन और रजिस्टर लाए हम लोग नहीं, ठीक है, निकाल लेना अभी आपको। तो क्या है, आपको ऐप मिला है अभी ट्रेनिंग के बाद, अभी निकाल लेना दीदी, सुनते रहो। ट्रेनिंग के बाद क्या है, उस ऐप में कुछ पॉइंट ऐसे है जो अभी उसमें नहीं जोड़े गए। वो क्या है कि जैसे आप 15 दिन काम कर लोगे, 15 दिन काम कर लोगे, वो चीजें भी उसमें जोड़ दी जाएंगी। क्योंकि वहां पे एक ये हुआ था, क्या हुआ था कि अगर जब हम लोग की ड्यूटी होती, हमने सारे सवाल कर लिए थे, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर ये चीजें हम अभी सारा कुछ ऐप में डाल दिया तो क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग पे क्या प्रॉब्लम आ गई, कि अभी जैसे हम आपको बताएंगे तो बहुत सी चीजें दीदी नहीं समझ पाएंगी। तो जैसे इस ऐप को आपने 10 दिन चला दिया, 15 दिन चला दिया, उसके बाद आप क्या हो गया, आप सब काम उसमें करने लगे, तो उसी के बाद उसमें एक नया चीज ऐप में जुड़ जाएगी। और जब किसी चीज को चलाते हैं उसमें कुछ भी नया जुड़ेगा तो वो आपके नॉर्मल कैमरे को पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। उसमें कोई जो भी नई चीज जुड़ेगी ऐसी नहीं होगी जो इससे अलग होगी, क्योंकि बिल्कुल नया ऐप है, इसलिए इसमें सब कुछ नहीं डाला। जिस कंपनी ने भी ये बनाया है वो भी क्या है, ऑब्जर्व करेगा कि जितना काम उस पे कर रहे हैं कोई समस्या तो नहीं आ रही है। जैसे ही रहेगा कि बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें एक नया फीचर जोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा कि बहुत सी चीजें जो उसमें आने वाले कुछ टाइम में आपको
मिल जाए, ठीक है। लेकिन वो जब उसमें आएंगे ना वो कभी बताएंगे। अभी क्या है, ये एक ऐप है दीदी आप लोगों का, इसका इसका नाम ही क्या है, विद्युत सखी है। क्या नाम है आपका? विद्युत सखी है। अभी ट्रेनिंग के लिए तो हम आप लोगों को एक लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है, और ट्रेनिंग के बाद आप क्या है उसको आज शाम के बाद ही प्ले स्टोर से भी डाउनलोड, जो ऐप डाउनलोड करते हैं ना प्ले स्टोर पे, तो आज शाम तक वो वैसे 15 की शाम तक होना था लेकिन आज शाम तक वो प्ले स्टोर पे भी है आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं एंड्रॉइड में बात कर अभी क्या करेंगे कि पहले ऐप कैसे काम करता है यहाँ पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को समझा देंगे। उस टाइम में उसके बाद या उससे पहले आपका कोई भी सवाल हो अगर सबके हो तो लिखते भी रहना, ठीक है, फिर बाद में आधा घंटा हम आपके सवालों के जवाब देंगे उससे संबंधित। बीच में कुछ आएगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है ठीक है मतलब यहाँ से जाने के बाद ये लग कहना कि वो चीज कैसे होगा हम लोगों के याद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग बिल उसमें जमा कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दीदी इस ऐप को नहीं चला पाएगी। बिल जमा होगा नहीं, अभी टाइम है थोड़ा सा, लेकिन एक बात को मैं कहूंगा कि उसमें आप जितना भी रिचार्ज करवाएंगे, अगर आप उसमें 20,000 रिचार्ज कर रहे हैं वहां पे उस वॉलेट में, तो आप 20,000 को खत्म करिए, क्योंकि आपको 3 से 4 दिन का टाइम मिलेगा आपका वो पैसा खत्म करने के लिए। तो उससे अब मान लीजिए उस टाइम में कोई हमें नहीं मिला तो हालांकि वो जो पैसा है आपका कहीं जाएगा नहीं, मिल जाएगा, लेकिन क्या है छोड़े ही क्यों नहीं। उसका प्रोसेस ये है कि जिस दिन वो बंद होगा, जिस दिन ऐप बंद होगा, मान लीजिए आपका 50 रुपया पड़ा रह गया, तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाएगी कि इस दीदी का इतना रुपया, इस दीदी का इतना रुपया वॉलेट में रह गया, ठीक है। तो वो क्या होगा, जैसे नोडल सीएनएफ को हमारा लोग कमीशन देते थे, वो उतना पैसा उनको वापिस कर देंगे और आपका वो पैसा वापिस आ जाएगा। लेकिन हम छोड़े क्यों, जब हमारे पास मौका है हम भी छोड़ेंगे, पैसा 10-20 रुपए रह गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो मिलता रहेगा जब मिलेगा, ज्यादा पैसा मत छोड़ना। हालांकि आपको 3 या 4 दिन का टाइम भी मिलेगा कि अब ये बंद होने वाला है, उसमें कुछ चीजें बंद होने लगी, ठीक है। तो ऐप का नाम क्या है, विद्युत सखी है। इंस्टॉल करना क्या होता है, ठीक है, तो ऐप का नाम है विद्युत सखी। आज से ही हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, इसमें क्या लिखा है, सभी जिस पे स्टार बना हुआ है चिन्हित फील्ड अनिवार्य है, मतलब जहां पे स्टार होगा वहां पे आपको डिटेल कंपल्सरी रूप से भरनी होगी। देखो सबसे पहले क्या है, सखी का नाम, तो किसका नाम आएगा यहाँ पे, आप लोग का नाम आ जाएगा जो भी नाम आपने लिखा, ठीक है। दूसरा क्या है, अनोखा सखी किरमान, क्या है जो किरमान कहला अनोखा सखी किरमान, वो आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे, अभी सबको मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे है मोबाइल नंबर, किसका आएगा मोबाइल नंबर,